नमस्कार। जल सरोकार मंच की जारी श्रृंखलाओं में आज एक विशिष्ट जन आपसे मिलेंगे, अरुण सितांश जी। अरुण सितांश जी के बारे में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं। काफी प्रभावी काव्य लिखते हैं, आपकी चार रचनाएं पुस्तकें काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, आप संपादन करते हैं, आलोचना के संग्रह भी हैं उनके, और देशस नाम की पत्रिका का संपादन करके उसको भी लगातार हम लोगों के बीच पहुंचा रहे। तो अरुण सितांश जी से आज आग्रह है कि हमारे प्रबुद्ध श्रोताओं के साथ वो इस मंच को अनुग्रहित करें अपनी रचनाओं से, और हम सभी रसा साधन लें और लाभान्वित हो, इसी आशा के साथ अरुण जी आपका स्वागत। मित्रों नमस्ते। एक बार पुनः जन सरोकार मंच पर आने की और कुछ कविताओं का पाठ करना है हमें, तो मैं पाठ करने जा रहा हूँ। शीर्षक अरवा चावल। किसान के खेतों से उठकर आया धान का बोझा, किसान के खेतों से उठकर आया धान का बोझा, उस बोझे से धान निकाला किसान, माथे पे ढोकर लाया घर। क्या जानता है बेटी पढ़ लिख कर नहीं जाने की धान का हाल चाल। किसान ने बेटी के यहाँ चावल भेजा, उसना चावल, अरवा चावल, मुरही का चावल। किसान ने बेटी के यहाँ चावल भेजा, उसना चावल, अरवा चावल, मुरही का चावल। बेटी नहीं जानती अरवा चावल कैसे बनता है, बेटी नहीं जानती अरवा चावल कैसे बनता है। उसने चावल का कॉमन सेंस लगाकर पकड़ ली बात, इसे उसीन कर बनाया जाता है। बेटी भोजपुरी इलाके से है, भोजपुरी शब्दों से वाकिफ। किसान बाप हैरान परेशान, आए बेटी को अरवा चावल का नहीं भान, जीवन भर अरवा चावल बनता रहा। उसना चावल बेच सकता हरा बाजार, कहीं बेटी न बिक जाए हमार, कल दुकानदार नहीं देगा 16 आना उधार। आए रे अरवा चावल, इस चाल में बनाए संचार, इस चाल में बनाए संचार। एक पत्रवाज कविता संग्रह से कविता है, इस शहर में चौराहे नहीं, शहर में चौराहे नहीं, जबकि हर शहर में चौराहे होते हैं। हर शहर में एक चौराहा है, उस चौराहे पर बाजार एक ऐसा शहर है जहाँ न चौराहा न चौराहा संसार। बेटी कैसे पहुंचेगी, बेटी कैसे पहचानेगी चौराहे बिन नानी का मकान, हलवाई की दुकान। इस शहर में सब कुछ है, बस चौराहा नहीं है। इस मोड़ से उस मोड़ तक जाने में चौराहे की परिभाषा बदल जाती है, चौराहे से दुनिया मेरी निकल जाती है। इस शहर में चौराहे नहीं है, बस गली नंबर है 1 2 3 4 5 जो जीवन को जोड़ती है, चौराहे को तोड़ती है। फैसला आपके हाथों में है, गली में रहना चाहते हैं या चौराहे वाले शहर में, या चौराहे वाले शहर में। शीर्षक के ताम झाम। आवारा के लिए नहीं है यह सब श्रृंगार, नेक इंसान बैठ सकता है यहाँ मेरे पास। कुंवारी नहीं हूं तो क्या हुआ, औरत हूं इतना काफी है। मत सारे मैदान छोड़ रहे हैं, गलती हमारी नहीं है, आपकी नहीं, भैंस की है, बाजार की है। सब कुछ जल्दी में निपटा लेना चाहता है हर कोई, हर कोई मांस का दूसरा काट लेना चाहता है। यह मांस मांस में अंतर है, यह तो जादू
मंत्र है, चलो आज तेरे संग, हंग नहीं करना मन, तू भी उसी मर्द की जात हो, थक जाते हो प्यार करते, सिलिया कैसे पार करोगे, एक बात जरूर है, तुम जल्दीबाजी में नहीं थे, आओ समुद्र तट पर पैर पसारे। एक कविता है धीरे धीरे चल रहे मना मन, धीरे धीरे चल रहे मना, रात का समय और ट्रैक्टर की आवाज, और का समय और ट्रेन की आवाज, मच मच करता खटिया चौकी पलंग, सुनो जमीन की कोई आवाज है, क्या कर रही है जमीन, क्या जमीन सो रही है, जमीन पर सब कुछ टिका है, दरअसल जमीन की अपनी आवाज है, बिना बोल कर बोलती है अचानक, स्त्रियां पलंग छोड़ बच्चे के पास जाती है, दुल्हन चौकी छोड़ सास के पैर दबाती है, लड़कियां खटिया छोड़ मां संग सोती है, आकाश छत पर सोता है, घर छाती पीट कर रोता है, रात रात के लिए बनती, इसके बनने से दिन दिन नहीं रह जाते, कई हथियारों की सभा में बैठ कर बैठक लगाते हैं, कई बलात्कारियों के वेश में आते हैं, ट्रैक्टर और ट्रेन की आवाज सुरक्षा कवच है दरिंदों के लिए, सब कुछ हर पल धीरे धीरे घटता है, सब कुछ हर पल धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे चल रहे मना, धीरे धीरे चल रहे। कविता है गोटा, जब गोटा लगाकर पहनती थी माँ, पिता नहीं देखते थे नजर, आंख में काजल लपेटे रहती थी माँ, पिता नजर झुकाए गुजर जाते थे धीरे से, खत्म कोशिश रख करती रही कि जो जी भर देखो मुझे, खिबरी लेकर दलान में चले जाते थे पढ़ने, कच्ची उम्र में शादी हुई, कच्ची उम्र में शादी हुई थी उनकी, बाद में जवान हो चुके थे पिता, बाबा का तेल मालिश कर नहा धोकर कथा कहने जाते मटिया पर, यजमनिका में साथ में शंकर जी बुला होते थे, कुछ पढ़ने के बाद धीरे धीरे माँ की तरफ देखने लगे पिता, और नौकरी लगने के बाद जवानी से बुढ़ापे की तरफ मुड़ चुके हैं पिता, गोटा पिता से कितना दूर था, गोटा पिता से कितना दूर था, ये सोच माँ आज भी संघर्ष कर रही है पिता संग, स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी। तो ये कविता थी अथर्वा से सब से कविता संग्रह से एक ऐसी दुनिया की क्लास में। महावत जो हाथी हाँकते हैं, जंगल के प्रदेश में जा रहा है महावत, नदी तालाब चिड़ियों और पहाड़ों से गुजर रहा है महावत, फल फूल कंदमूल देखते हुए आ रहा है, उसका आना जाना हर सड़क गांव की गली में अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा नहीं लगता जब हाथी को छूने से रोक देता है वह हाथियों का बादशाह होता है, महावत का जीवन यापन कैसा होता है कोई नहीं सोचता, दरअसल महावत महान राजा होता है, हाथी पर बैठा महावत जाता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, आज पर्व है कल त्योहार आना है बार बार, कल राजा नेपाल के आ रहे हैं, परसों महारानी ब्रिटेन की तैयारी में जा रहा है महावत, पैसे कितने मिले 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसका न इतना बड़ा पेट और न हाथी जितना चेत, बस इस दुनिया का पहला और अंतिम राजा है जो सब कुछ सहकर कम से कम में बस कर गम में रहता हंसता है महावत, जहां जहां समुच्ची में मिट्टी लेता है वहां वहां लोगों के पास चिट्ठी छोड़ता है, लेकिन महावत के यहाँ कोई जाता तक नहीं, ऐसी प्रजा का राजा है सिर्फ हाथी संग जाता है, मैं बचपन में चढ़ा था एक बार महावत के साथ, उसी से सूंड की तरफ सुतरा था, आज का राजा पूंछ की तरफ से चढ़ता है, पूंछ की तरफ से उतरता है, फिर भी पूंछ में हो रही गोलीबारी को नहीं रोकता है, फिर भी पूंछ में हो रही गोलीबारी को नहीं रोकता है। रात की गंगा कविता का शीर्षक।
खन 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 बजती हैं चूड़ियां हरदम, सन 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 हवाएं बुलाती हैं कम, टन 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 फूटे बंधी गाय लेती है दम, चन 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 शीशा टूटा खड़ा फूटा हुआ गम, झन 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 रात में गंगा बजाई थाली संग, धरती के रंगीन कलश नहीं चाहिए मुझे गंगा सागर, मुझे दूध की धार नहीं चाहिए, जीने के लिए हवा चाहिए जितना कि जेल में सूत काटते वक्त धागा को मिलती है, जिसमें बसते कीटाणु सौतेली माँ का प्यार नहीं चाहिए, और नौतनी आवाज स्वप्न लोक की लक्ष्मी नहीं चाहिए, और लुभाने वाली परी हमें इंद्र का सिंहासन नहीं चाहिए, कभी भी घायल चिड़िया नहीं चाहिए, खिड़की पर बैठा पृथ्वी का दुख धरती के रंगीन कलश पर दाग नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए जहानाबादी माओ के आंचल में उसे बेटे का कलेजा कोई सेना नहीं चाहिए, धूप में सूख रहा है खेत, यह जो समय है खेतों में फसल कट जाने पर बिया डालने का समय आ गया है, श्रीपति डाल रहे हैं खेतों में आलू का बिजड़ा, बाकी खेत बिन फसल के जैसे वस्त्रहीन देह उदाल चला रहे हैं बाबूजी, कि छटक कर लग गया पैर पर, खबर मिली आज फिर किसानों ने की है आत्महत्या, दीवाल पर टंगी अंगोछी पैरों में बांधे नहर के मुहाने पर जा रहे हैं पानी खोलने की सरकारी खबर है, पानी पी रहे हैं पटना में विदेशी, दिया जा रहा है सत्तू पोलथिन में, अब खेतों में चूहे नहीं है, अब नहीं है नमी, दिल्ली में किसी चीज की नहीं है कमी, यह जो समय है धूप में सूख रहा है खेत, और बाढ़ में पट रहा है घर, रोने धोने का समय नहीं है। यह था एक ऐसी दुनिया की तलाश में कविता संग्रह से और कुछ चयनित कविताओं से कविताएं, शीर्षक किताबों में मछलियां, सन्नाटे की सभा में रुद्र वीणा की आवाज आ रही है, जिसे रजत में इन किताबों में गा रही हूँ, कोई राग आ रहा जिसे शहर में सिल्वर फिश की संख्या बढ़ गई है, यहाँ हो सकता है मृदभांड कोई पुरातात्विक अवशेष, मसार गांव की तरह कोई जलकर बुझा हुआ दिया, दियारे की लड़की ने देखी है सिल्वर फिश, वहां से पैदा हो फैल गई ग्लोबल विलेज में, अब एक पुस्तक ताक में है पाठक के लिए, और एक पाठक ने ओढ़ ली है चादर, बाहर गिर आए हैं बादल, पानी टप टप चू रहा है हृदय पर, किताब पर संग कीड़ों पर, हृदय पर किताब पर संग कीड़ों पर, रोज रात को आएगी मछली और खा जाएगी सुंदर अक्षर शब्द और वाक्य, शीशा की पारदर्शी दीवार पर नजर सबकी होगी, मछली पर नहीं होगी, किताबों पर नहीं होगी, एक दिन वे दुनिया को चट कर जाएंगी और हमें भी, हम और वे दुनिया के खत्म होने वाले जीव हैं, किताबें खत्म नहीं होंगी, एक किताब मिली है आज, समय की गुलाब है उसमें खुशबू के साथ, ठीक उसके बगल में सिल्वर फिश है चांदी की तरह चमकती हुई और अपना इतिहास लिखती हुई। एक शीर्षक है पटना अभी बाकी, रात को खैनी दबाए सो गया वह गांव नहीं था, दिल्ली देख रहा था, उसके सपने बालू हो रहे थे, पैर पर जैसे गिलहरी चढ़कर भागी, उसी पीठ की तरह तीन चार तरह का रंग बदला चेहरे का, धान भी गाप से निकलता हुआ और पानी भी हाहाकार करता हुआ, संज्ञाहीन हो जा रहा था उसका मन, उसके पास प्रकाशक नहीं था न कोई पुस्तक, और सपने में पुस्तक मेले में जा रहा था, और सपने में पुस्तक मेला जा रहा था, नहीं बीच रास्ते से लौट रहा था कि पटना भी बाकी है, और सो रहा था चैन की नींद, पैर की एड़ी उसके चूहे को तर रहे थे, वह लगातार सपने देखते चल चखते जा रहा था, बनना था महान और न बन सके। एक आदमी शीर्षक है, कई साल की रोशनी से बनता है जबकि एक पीपल का वृक्ष कई बारिश से नहाता है, और उस पर बैठी चिड़िया भी थोड़ी देर बाद चपती हुई आ रही मुंडेर पर, आदमी और वृक्ष में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों को बारिश और रोशनी चाहिए, बावजूद मनुष्य बहुत अत्याचार करता है वृक्ष से, वृक्ष चुपचाप में निहारता और प्यार भरी नजरों से देखता है, हम वृक्ष के हत्यारे हैं,
वृक्ष के दुलारे मनुष्य हैं, चांद की रोशनी में सोच रहा हूं और डूब जाऊं एक नन्हा सा पौधा लेकर। सबके माथे पर भला कौन नहीं जानता ईश्वर को, लोगों ने मिलकर ऐसा ईश्वर क्यों गढ़ा जो सबके माथे पर चढ़ा। ईश्वर को तो चलना चाहिए मनुष्य की तरह साथ साथ। एक कविता संग्रह है, हर मिनट एक घटना है, उससे जीवन का पहला नाटक शीर्षक कविता का। गांव में खेला था हम लोगों ने नाटक, इसमें लड़की थी डाकू, जिसमें लड़की थी डाकू सिपाही थे। रोल अदा करने के पहले ही चौकी टूट गई दर्शकों से। उस समय गैस बत्ती थी, सन 1984 की बात है। गुस्से में हम लोग कुएं पर लाल मिर्च नमक रखते थे ताकि दर्शक पर पाप पड़े, चौकी सुरक्षित रहे। अंत में नाटक खेला गया, इज्जत नाम जीवन का अंतिम और पहला नाटक, रोल लड़की का, घोल पाउडर का। आज इज्जत दांव पर है जबकि बंदूक है, राइफल है, पहले लाठी काफी था, पहले ही नाम मिला सब कुछ बाकी है, पहला ही नाम मिला सब कुछ बाकी है। सब दर सब धूल पे धूप पड़ी है बिछावन की तरह, वह आंगन सुना होगा पावन की तरह। धूल पे धूप पड़ी है बिछावन की तरह, वह आंगन सुना होगा पावन की तरह। हर एक आदमी तनहा होगा, हर एक क्षण महंगा होगा मन भावन की तरह। बर्फ पे हर्फ लिखता हर कोई दुआ मांगता होगा इच्छाटन की तरह। हार और जीत तो लगी रहती है, हार और जीत तो लगी रहती है हर जमाने में। हर एक हाथ उठा होगा साजन की तरह। बंदिशे हर कोई पे नहीं है, बंदिशे हर कोई पे नहीं है साहब। साहिबा बेफिक्र होंगे अपने अपने चैम्बर में भगवान की तरह। रोज उतारता हूँ सब दर सब, रोज उठाता हूँ सब दर सब सिंहासन की तरह। शहर की चौखट पर मैं 4 किलोमीटर की दूर और बाजार में भीड़, कत्व का दरवाजा खुलता रहा। शहर के चौखट पर वहां के राजा भोग गिलास में डूबा हुआ ग्लोबलाइजेशन पर बातें कर रहा है। बारूद से ढका यह शहर दुनिया के तमाम शहरों में से एक है जिसका नाम है शहर। कहीं मूर्तियां तोड़ रहा है, कहीं तेल लूट रहा है, कहीं धमकी दे रहा है, कहीं किसी शहर लाइन में है राजा की निगाह में। राजा का आंख छोड़ना चाहते हैं पर राष्ट्र बन जाएगा और अन्याय बढ़ जाएगा। इस वक्त बारिश में सब कुछ हो रहा है, लड़ नहीं रहे पहलवान, लड़ा रहे हैं सबको ताल ठोक कर, ताल बजा कर। बारिश के बीच नींद आ रही है, सब कुछ हो रहा है शेर में उछाल, बैठे हैं दलाल, लड़ नहीं रहे पहलवान, लड़ा रहे हैं सबको ताल ठोक कर, ताल बजा कर। बारिश के बीच नींद आ रही है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, नीम का पेड़ काटा जा रहा है, लूटी जा रही है सरेआम इज्जत। बारिश में सब कुछ हो रहा है सिर्फ शांति को छोड़कर। चश्मा पे चीतियां, जो चश्मे के साइड में लोहे की डंडी होती है उसमें मूर्छा हो जाता है, उसको चीती बोलते हैं लोग। बहुत पुराना चश्मा पकड़ जाता है, गोरी के केस से निकला होगा बिना चश्मा वाला बच्चा। थके खाते हो गया पक्का, परिपक्का लिए बोलता है नदियों से, हंसता है हवाओं की तरह, गाता है झरनों की तरह, बोलता है नदियों की तरह, हंसता है हवाओं की तरह, चिल्लाता है आसमान की को, रोता है बारिश की तरह। तमाम गुण दोष लिए सुख दुख किए आ गए चेहरे पे, खटे खेतों की दरार, दौड़ विचार नाक पे रखा है, नाक पे रखा है सिर्फ और सिर्फ चश्मे पे चीतियां जो हटाए नहीं हटते। हाँ यह बच्चा नहीं तो वृद्ध जन की चश्मा है, सख्त अंश मात्र नहीं है, 100% सौभार है। रहस्य की बात नहीं कोई कपड़े की,
थकन है, छल छल जा रही है गाड़ियों पर, हाथ पर दिया है चढ़ने का, उठाया है रकम यहाँ, मालिकाना हम मालूम हो गया, हर मिनट एक घटना है, हर क्षण एक घटना है, जो कुछ खास घट रहा है सामाजिक मूल्यों के लिए, टांग अड़ाना नहीं चाहता बेरक में, उसे हत्या पाता है, प्रेम नहीं प्रेम के विरुद्ध घृणा नहीं, मृत्यु है सामने, परिणति है ये घटनाएं नित्यबंध है, पर्दे के जरूरत पर्दे की जरूरत नहीं, अपरोक्त तांडव दुनिया में बदस्तूर जारी है, धारणा एवं गुलती है, बहुओं की आवाज पर जीती है, ऐसे सख्त में इधर नहीं है राय हमारी आपसे मिल रही है, अर्थ में पोशाक कहाँ है, पोशाक में अर्थ कहाँ, संवर्ग नहीं है, यहाँ के लोग स्वयं कर्ज में डूबे हैं, किन किस्म की उभरी है पर्दे, किन किस्म की रिवाज बने हैं, यह 21वीं सदी है क्या, मृत्यु से भय बना है, प्रेम से मृत्यु बना है, निर्देश नहीं है, निम्न है लोग, रुग्ण जड़ चेतन सा अटल है, खिल नहीं रहे पोष में, इतना राय का इरादा भी नहीं, मूल्यों के इर्द गिर्द छिपटा रहे लोग, दीर्घकालिक स्मृतियां जान छोड़ रही है, तेजी से बढ़ रहा अपराध, हिंसात्मक घटनाओं में तब्दील हो रहे हैं शहर, चतुर्गण बचकर भाग रहे दिल्ली, पटना आरा बक्सर नहीं रहना चाहते, अखबार ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं, चुनाव बाद कोई नहीं याद करेगा गांव, मुंबई में पंचायती होगी, व्यक्ति हत्या से क्या फर्क पड़ने वाला, समाचार सुपुर्द कर दिए जाएंगे विभिन्न चैनलों पर, नमस्ते।